for you know coming to Chandigarh always is ki this place is infectious. यहाँ थोड़ा सा इन्फेक्शन है इस जगह में आके आपको सडनली यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, यू स्टार्ट फीलिंग की हवा अपनी ही है. ओके सो व्हाट वी विल डू इज इन द नेक्स्ट वन आवर और सो छोटा रखेंगे. आई एम श्योर आप काफ़ी लोगों को काफ़ी जगह जाना है बट बहुत बड़ा भी कर सकते हैं. इट्स नॉर्मली एन 8 आवर वर्कशॉप बट आई हैव कंडेंस्ड इट इनटू वन आवर एंड व्हाट आई हैव डन इज ऑफ द 18 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव ट्राइड टू कंडेंस ऑल ऑफ दिस इनटू वन आवर. And I'll try to give back as many things as possible. You can take down notes, you can ask questions, you can discuss anything and everything is possible. Okay. What this class is not, it is not the only source of truth. ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ यही सब कुछ है और यही होगा और कुछ नहीं होगा. This is not a modern day satsang. ऐसा नहीं चल रहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप सुन रहे हो और आप बाद में जाके सुबह इसको जाप करोगे तो आप ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा इससे. This is not a prescription. This is a description. ऐसा नहीं कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि सुबह दोपहर शाम 3 गोली खा लो तो आप ठीक हो जाओगे. This is a prescription. This is a description of what has worked for me. It may or may not work for you. This is not a solution. It's just a guide. I'm not solving any problem for you. I'm just guiding you how to solve. The solution is you. You have to solve it. There's nobody else who can solve it. काफी लोग मेरे से पहले पूछते थे आप पावर पॉइंट क्यों नहीं लेकर आते. तो मैंने ये पहली बार पावर पॉइंट बनाया बाय द वे, क्योंकि ये मैं फील करता कि आप पावर इन द पॉइंट यू डोंट नीड अ पावर पॉइंट. बट सम टाइम्स पीपल से कि नहीं इससे इम्पैक्ट आता है, तो बट मैंने बना लिया. मैं बिलीव नहीं करता हूँ पावर पॉइंट्स में. मेरे को लगता है जो पावर इन द पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द पावर पॉइंट. एक्सेल में करना आसान है, एक्सेल करना बहुत मुश्किल है. एक्सेल में मॉडलिंग बनाना बहुत सिंपल काम है, कोई भी बना दे. 10% को 20% सडनली ग्रोथ शूट अप कर जाती है, आपकी वैल्यूएशन डबल हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है. लाइफ में एक्सेल करने फोकस करो, एक्सेल में करने पे फोकस मत करो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर लाइफ विच इज आई. When you start discovering yourself, when you start thinking कि मुझे contribute क्या करना है, the first question that you should answer is what am I doing? You are a fraction. Fraction समझते हैं सर? 1/2, 1/4, 1/5. The numerator is what you think of yourself. Denominator is what the world thinks about you. Sorry, Ulta. The denominator is what you think of yourself. The numerator is what the world thinks of you. आप जितना numerator बढ़ाओगे, उतना आपकी life बढ़ेगी. जितना खुद के बारे में कम सोचोगे, don't think too highly of yourself. सबको महाभारत पता है. महाभारत क्या थी? क्या था महाभारत में? क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी. कौन जीता था? गलत. कृष्ण जीते. महाभारत वॉज वन बाय कृष्ण, नॉट बाय पांडवाज. हैड एवरीथिंग अगेंस्ट देम. सब कुछ पांडवाज के अगेंस्ट था. छोटी सेना थी, कम एक्सपीरियंस लोग थे. अरे किसी को ये कहानी पता है कि कृष्ण ने कृष्ण जब लड़ाई शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे कृष्ण के पास? ये कहानी पता है किसी को? अच्छा, हुआ क्या था कि बिकॉज कृष्ण जो थे ना वो दोनों के कजन थे, दुर्योधन और अर्जुन के. लड़ाई शुरू होने से पहले दोनों गए कृष्ण के पास कि हम कृष्ण को अपनी तरफ से. ओके, तो उस टाइम पे कृष्ण सो रहे थे. ठीक है, तो हुआ क्या, कृष्ण इज स्लीपिंग और साथ में एक सिंहासन था. दुर्योधन वहां बैठ गया सिंहासन पे, अर्जुन कृष्ण के पैरों पे बैठ गए. दुर्योधन पहले आया था, अर्जुन बाद में आया था. कृष्ण उठे, उन्होंने अर्जुन को देखा, कहने हाँ बोल क्या चाहिए. दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था. वैसे कहा अच्छा चल ठीक है, तो सबसे पहली बात जिससे हेल्प मांगने जा रहे हो उसके पैरों में बैठो पहले, वो पहले आपको देखेगा. दुर्योधन ने उससे पूछा, सॉरी कृष्ण ने पूछा कि यार देखो ऐसा है, चल तू पहले आया था, दो चॉइस है इस लड़ाई में, या तो मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना ले लो. ठीक है, नारायणी सेना मेरी ले लो, वो सेना आपकी फेवर में युद्ध करेगी. मैं लड़ाई में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, दैट मींस मैं कोई भी हथियार यूज नहीं करूंगा इस लड़ाई में. या तो निहत्था मैं ले लो या मेरी सेना ले लो. एंड सिंस दुर्योधन केम फर्स्ट, दुर्योधन है फर्स्ट राइट ऑफ चॉइस. दुर्योधन ने क्या चूज किया? नारायणी सेना. यहीं पे महाभारत हार गया था. एक पॉइंट समझो,
मेंटर को चूज करो, मेंटर की पीपीटी या मेंटर के पास क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा पीपल उसे सर आप यही पीपीटी कई जगह यूज करते हो, मैंने कहा तो क्या हो गया, ले लो पीपीटी क्या हो जाएगा, आपको इस पीपीटी में कुछ नहीं मिलेगा, आपको समझना है बात को। फाइंड अ गुड मेंटर। यहां पर जो इन्वेस्टर बैठे हैं, जैसे सर ने कहा अगर आप इन्वेस्टमेंट खुद नहीं कर सकते फाइंड अ को इन्वेस्टर, वो को इन्वेस्टर आपका मेंटर है। अगर आपका स्टार्टअप है, आपको कुछ शुरू करना है, तो अपना एक मेंटर ढूंढो, उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। फोकस ऑन क्लोजर्स। इंग्लिश किस किस को आती है यहां पे? सबको आती है राइट। इंग्लिश में तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके ना चार चार सब टेंस होते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, सॉरी इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो तीन चौके 12 टेंस हो गए। सारे टेंस बकवास है, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैटर्स। ये काम हो चुका है, ये हो जाएगा, ये हो रहा है, ये हो सकता है, ये शायद हो जाए, ये नहीं हुआ, ये हो सकता था। आपकी जो भी टीम है, आप जो भी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप स्टार्टअप हैं, आप जो भी हैं, जब तक कुछ हो नहीं चुका तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर जो वैल्यू है दैट इज इनहेरेंट इन यू। खराब मौकों पे जाके भी वैल्यू खत्म नहीं होती। 500 का नोट 500 का होता है, उसको मोड़ दो, सीधा कर दो, फिर 500 का हो जाता है। उसको रखो नीचे, उस पर पैर चला दो, फिर 500 का ही रहता है, क्योंकि वैल्यू जो है वो उस नोट के अंदर इनहेरेंट है। अपनी इनहेरेंट वैल्यू को रिकॉग्नाइज करो। आप इन्वेस्टर हो या आप स्टार्टअप हो या आप किसी के फ्रेंड हो, आपकी वैल्यू आप में इनहेरेंट है, वो कोई नहीं छीन सकता। अब बताओ ह्यूमन बींग्स की मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंता। ह्यूमन बींग्स इज दी ओनली स्पीशी जिसको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों याद रहता है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट की चिंता और फ्यूचर की से डर, यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ज्यादा इतनी होती नहीं जितने डर हो जाता है कि क्या हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अनदर प्रॉब्लम, वी कंबाइन द पीपल एंड द इश्यूज। उसने ये कैसे कर दिया, उसने इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या कर दिया, उसने इसने से फर्क नहीं पड़ता है। इशू को सॉल्व करो, लोगों को निकालो उसमें से। हाउ आई से समथिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज आई से एंड एज इंपॉर्टेंट एज व्हेन आई से इट। आप क्या कह रहे हो, विच इज इट इज इक्वली और लेस इंपॉर्टेंट देन कैसे कह रहे हो। एंड साहिल एंटर्ड एट द राइट टाइम। मैं एक्चुअली साहिल का एग्जांपल देने वाला था। तो साहिल के साथ मैं पिछले 1.5 साल से कनेक्टेड हूं, ठीक है। मैं भी आज सुबह एक बात और डिस्कस, वासुदेव कुटुंबकम किसको पता है? वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, ये अभी हमने G20 में नारा लगाया। साहिल का पांचवा मैंने सुबह बनाया वासुदेव दोस्तम, सारी दुनिया मेरी दोस्त है। वो दुनिया इसकी दोस्त क्यों है? क्योंकि द वे ही सेज थिंग्स एंड द वे ही इनवाइट्स यू और द वे ही आस्क्स यू टू कम, यू सिंपली कांट से नो, मैं आज यहां नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल देना, ऑल ऑफ अस नो हिम, मेक श्योर दैट यू लर्न दिस थिंग फ्रॉम हिम, द वे इट इज डन, चीज कैसे की जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हीरो होंडा की एड आती थी, फिल इट शट इट फॉरगेट इट, सबको एड याद होगी, ठीक है। फिल इट शट इट फॉरगेट इट, लाइफ में सिर्फ ये बन जाओ, फिल इट शट इट फॉरगेट। फिल इट शट इट फॉरगेट इट मींस, फिल इट मींस किसी ने आपको काम समझा दिया, शट इट मींस आपने एग्री कर दिया, फॉरगेट इट मींस दैट पर्सन कैन नाउ फॉरगेट अबाउट दैट काम। हमारी लाइफ की 90% बैंडविड्थ सिर्फ फॉलोअप्स पे वेस्ट होती है। अगर हमें फॉलोअप्स ना करने पड़े लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, पता है आपको, हमारे पास काम ही नहीं होगा करने को। इंश्योर करो कि फॉलोअप्स आपसे तो एटलीस्ट ना करें, लोगों के पास और काम है लाइफ में करने को। दैट इज आवर प्रॉब्लम, वी कीप लिंगरिंग ऑन।
हम सब कर सकते हैं, हम करते नहीं है, क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। आज के दिन में हमने बहुत कुछ सीखा, इनफैक्ट मैंने तो पिछले दो सेशन से बहुत सीख लिया, इस सेशन से मैं कुछ सिखा पाऊंगा नहीं सिखा पाऊंगा मुझे नहीं पता, बट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दिस शुड बी द मोटो ऑफ योर लाइफ। ये याद रखना, अकल धक्के खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं। अगर बादाम खाने से आती होती ना तो सिर्फ अमीर लोग अकलमंद होते, और अमीर लोग बेवकूफ नहीं होते, होता उल्टा है। जिसने रगड़ी की रड़ाई की है ना, जिसने सड़क पे चला है, मार्बल की फ्लोरिंग सबने देखी है राइट, मार्बल में शाइन पता कैसे आती है रगड़ाई करके। छल्ली खाई सबने भुट्टा, कच्चा भुट्टा जो होता है ना वो 30 रुपए किलो आता है, एक पीस भुट्टा निकाल के पूरा सेक देते हैं ना 30 रुपए का वो एक पीस बन जाता है। अब ये आपकी चॉइस है, आपको कच्चे भुट्टे के भाव बिकना है या पक्के हुए भुट्टे के भाव बिकना है। अगर पक्के हुए भुट्टे के भाव बिकना है तो आपको जलना पड़ेगा। अच्छा एक और क्या है, क्योंकि हमारी कंट्री की ना पॉपुलेशन बहुत है, 130-135 करोड़ 40 करोड़ राइट, वी आर द वर्ल्ड टॉपर्स राइट नाउ इन दिस। तो ना सक्सीड करने के लिए हमारे हमें फेलियर्स और मीडियोकर्स बहुत चाहिए लाइफ में। अभी आपकी चॉइस है आपको कहां रहना। इंडिया को ऐसे जरूरत है फेलियर्स और मीडियोकर्स की, बहुत जरूरत है हमें, सारे सक्सेस होकर प्रॉब्लम हो जाएगी यहां पे। अब वो टोटली चॉइस आपकी है, आपको कहां तक रहना है वहां तक डिसाइड कर लो। मतलब आपको फाउंडेशन बनना है या ऊपर का शाइनिंग स्टार बनना है, वो आपकी मर्जी है। ये याद रखना, whoever has the most fun wins। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, लाइफ में तीन ही मोटो है। हेल्थ पे फोकस करो, बिजी रहो, काम करते रहो, और मस्त रहो। इफ यू आर नॉट enjoying लाइफ, इफ यू आर नॉट enjoying what यू आर डूइंग, यू आर डूइंग injustice टू yourself। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टीम। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट अ पीपीटी, प्लान, परसिवरेंस, टीम। अभी सर ने भी बताया हम सिंगल फाउंडर को पैसा नहीं देते, क्यों? क्योंकि जो बंदा दो या तीन से ही टीम नहीं बना पाया वो आगे और क्या बनाएगा। प्लान, परसिवरेंस एंड टीम। आइडिया सबके पास होता है, मेरे पास इस टाइम 14-15 आइडिया इसी टाइम पड़े हैं स्टार्टअप करने के, पर मैं उसमें परसिवर नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको आगे नहीं ले जा पाऊंगा, और मैं टीम भी नहीं बना पाऊंगा तो स्टार्टअप नहीं चलेगा। अनदर पीपीटी, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैन बी आउटसोर्स्ड, प्रोसेसेस कैन बी बिल्ड, इट्स पीपल हु मेक और ब्रेक अ कंपनी। फाइनली इट ऑल कम्स डाउन टू पीपल, इट ऑल कम्स डाउन टू द पीपल अराउंड यू। एक और कोट है, यू आर द, यू एज अ पर्सन are the average of the 5 people you spend most of your time with. Be surrounded with more talented people than you. When you are hiring people, make sure you hire better people. Jo insecure leader hota hai na, wo chote bande ko hire karta hai. India ke do sabse successful cricket captains hain, Dhoni aur Ganguly. धोनी और गांगुली के टाइम पे जो टीम्स हुई हैं, उनकी टीम का सारा टैलेंट उनसे ज्यादा टैलेंटेड था। गांगुली प्लेड विद लक्ष्मण, तेंदुलकर, द्रविड, सहवाग, युवराज, कैफ, हरभजन सिंह, दीज पीपल कैरिड विद धोनी आल्सो, ठीक है। धोनी, देन कोहली, देन योर यू नो नए लोग जो आ रहे हैं, रोहित शर्मा, these are the talents which would have not come had they not found the right leader, or had the leader not encouraged them to perform. Aapki team, aapka success aap pe depend karta hai. Invest in PPF, put people first. It always has to be your people and people and people that you need to invest in. Life is not a zero sum game. English wala you or me, Hindi wala you or me. It can be you or me also. Why can't we co-win? Why can't both of us win?
Why can't all of us win? Why can't all of us grow together? स्टार्टअप स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम, हमने एक बात की स्केलेबल होना चाहिए. दिस इज वेर इट कम्स इन. कर सकता हूं और कर रहा हूं मैं बहुत फर्क है. कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं बट अगर सब कुछ मैं ही करता रहूंगा तो मैं स्केल अप नहीं हो सकता. स्केल अप आप कब होते हो? जब आप लीडर्स को क्रिएट करते हो. स्केल अप आप कब होते हो? जब और लोगों से आप काम करवाते हो. एज एन इन्वेस्टर व्हेन आई लुक फॉर इन्वेस्टमेंट द फर्स्ट थिंग आई सी इज ये टीम कितनी जल्दी स्केल अप हो पाएगी, ये बंदा कितनी जल्दी जॉबलेस हो पाएगा. लाइफ में बहुत लोग बोलते हैं प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए. मैंने कहा प्रमोशन के लिए अपने बॉस को जॉबलेस कर दो. जिस दिन आपका बॉस जॉबलेस हो जाएगा उस दिन आपकी प्रमोशन हो जाएगी क्योंकि आप वो काम कर रहे हो. किसी भी कंपनी में तीन टाइप के लोग होते हैं, जो काम करते हैं, जो काम करवाते हैं और जो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल किस किसने देखा? अक्षरधाम. और चेन्नई देखा? ताजमहल देखा? ताजमहल सबने देखा. ओके चलो, ताजमहल बहुत पुराना था बट चलो अक्षरधाम तो सुना देते. अक्षरधाम पे क्या हुआ था? अक्षरधाम टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने. तो ये लोग क्या करते थे, दे यूज टू ब्रिंग बिग बोल्डर्स ऑफ स्टोन, उसमें से 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का क्यूब काटते थे और उससे इन्होंने मंदिर बनाया. ठीक है, तो एक दिन शाम को वहां से कोई जा रहा था तो उसने पूछा पहले बंदे, भाई तू क्या कर रहा है? उसने कहा सर मैं ना ये क्यूब काट रहा हूँ, एक क्यूब काटने के 100 रुपये मिलते हैं, दिन के 1000 रुपये कमाने की टारगेट है, 10 क्यूब काटूंगा घर चला जाऊंगा, ये मैं कर रहा हूँ. दूसरे पूछा भाई तू क्या कर रहा है? उसने कहा सर ये 9 लोग हैं प्लस मैं हूँ, ये 10 की टीम मैं लीड करता हूँ, हमें शाम तक 100 क्यूब काटना है. ठीक है, और मेरा टारगेट है रोज के 100 क्यूब कटने चाहिए. तीसरे से पूछा भाई तू क्या कर रहा है? उसने कहा ये पूरी साइट है, 1000 लोग हैं यहाँ पे, 999 ये हैं और एक मैं हूँ, ये 1000 लोग हैं, हम वो सामने मॉडल देख रहे हैं वो मंदिर बनेगा, ये जो क्यूब्स कटते हैं ना ये क्यूब उस मंदिर में लगेंगे, इस पूरी टीम को मैनेज करना मेरा काम है और मेरे को ये भी देखना है कि जो ये क्यूब कट रहे हैं इस एफिशिएंसी से कटे कि मैक्स क्यूब्स कट पाए पहाड़ में से. तीनों में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होगी? लास्ट वाले. क्यों? वो मैनेज कर रहा है. ठीक है, वो डिसाइड कर रहा है क्या करना है, ही हैज द बिगर पिक्चर इन माइंड, उसको पता है वो मंदिर बनना है. दूसरा टीम लीड है. आप जितनी जल्दी आगे ग्रो करते जाओगे उतनी जल्दी आप राइज करते जाओगे. ये क्या है? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट किस किस को पता है? क्या होता है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट नॉन पीक टिल नाउ. अभी तक हमें उससे ऊंची पीक नहीं मिली है दुनिया में. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 meters, 9 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. 9 किलोमीटर कितना होता है? 27,000-28,000 फुट. 28,000 फुट होगा 9 किलोमीटर. इससे ऊपर हम हर बार फ्लाई करते हैं, प्लेन में जाते हैं. ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट की तो प्रॉब्लम है ही नहीं. हाइट बहुत कम है माउंट एवरेस्ट की, पता है आपको? माउंट एवरेस्ट चढ़ने की प्रॉब्लम क्या है? माउंट एवरेस्ट पे लोग क्यों नहीं चढ़ पाते? स्टीप, वेदर, ऑक्सीजन, स्लोप. ऐसे स्लोप आती है, फिर ऐसे आती है, फिर पानी आ जाता है, फिर स्नो आ जाती है. अब एक काम करो, आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान करना है. ठीक है, इसके अराउंड एक रैंप बना दो, सर्कुलर रैंप. 30-40 किलोमीटर का रैंप बन जाएगा आराम से, प्यार से, स्लो, 4 लेन एयर कंडीशन रोड बना दो. मेरी कार में मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर चला जाऊंगा और झंडा लगा दूंगा जा. राइट, माउंट एवरेस्ट कॉन्कर हो गया. किसी भी टीम में लीडर का काम सिर्फ अपनी टीम के लिए रैंप बनाना होता है. आपकी टीम को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, आपको वो रैंप बनाना है. इन्वेस्ट इन दो स्टार्टअप जहां पे वो लीडर रैंप बनाने में सक्षम हो. ₹500 के नोट की गड्डी, उसमें 5 नोट नकली है, सारी गड्डी नहीं जलाते हम, 5 नोट निकालते हैं और उनको बाकी नोट चला देते हैं. टीम्स की भी सक्सेस फेलियर ऐसे ही होती है. स्टार्टअप्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो में भी लोग पूछ रहे थे सर पोर्टफोलियो में मैं नकली नोट निकाल देता हूँ, उनसे एग्जिट कर जाता हूँ, गड्डी नहीं जला देता. अच्छा, 5 इन्वेस्टमेंट फेल कर गई, 100 की 100 बंद कर दो, कल से इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं. लोग करते हैं, पीपल डू इट, बट देन दे आर नॉट सक्सेसफुल.
ऑर्गेनाइजेशन, ओटीपी। ओटीपी फ्रेमवर्क, दिस अ फ्रेमवर्क दैट आई यूज व्हेनेवर देयर इज अ डिलेमा। ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर देन टीम ग्रेटर देन पर्सन। इफ समथिंग इज गुड फॉर माय ऑर्ग, इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट्स गुड फॉर माय टीम, इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट्स गुड एज अ पर्सन। ये मैंने बता दिया आपको। पीपल से वर्क, आई वर्क फॉर माई सी टी सी, मेरे लिए सी टी सी इज माई क्लाइंट्स, माई टीम एंड माई कंपनी। आई ऑल्सो वर्क फॉर माई सी टी सी। When changing a job, look for these four P's: people, place, profile, package. ये चार P satisfy जहाँ होते हो, चार P जहाँ better होते हो, वो job better है। Sorry, मैं थोड़ा investment से digress करके personal उस पर भी जा रहा हूँ। This is not purely an investment thing, because हाँ, normally I call this session as MBA, my better avatar. I should be an MBA every day. So ये crash course है MBA का, full course 8 घंटे का। This is what I believe in and this is what I live for. मैं हार जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब अगर मैं हार मान लूँ। That's it folks, thank you very much, thank you. I tried to go as fast as possible. थोड़ा ज़्यादा fast भी चला गया था शायद मैं। आप किसी को कोई भी point और discuss करना हो, we can talk now, we can talk later, whenever. We were expecting more from you. No, it's very short. Told us to be, it'll be going to a 1 hour session. So it's so enjoyable and insightful. We would love to have share. Sir, आप हम किसी भी पॉइंट पे और डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ व्हाट आई एम कीपिंग एन आई ऑन द वॉच इज, मेरे को आई वांटेड टू एंड इट बिकॉज़ आई डिडंट वांट एनीबॉडी टू लूज इंटरेस्ट। किसी को भी कुछ भी और पूछना है, वी कैन डिस्कस, आई कैन गो डीपर इनटू एनी ऑफ दीस पॉइंट्स। यस So, it's around investing. So, basically right now, I'm running two companies parallelly. One is into... Hello. So, it's about my portfolio. Right now, I'm running two companies parallelly. One is into the fabrication manufacturing trading company, and another one is into IT sector. So, we've been building a tech solution around agri-space, agri-tech-space, particularly focused on the Northern India agricultural sector. Okay. So, I'm full-time working into agri-tech project and since past 2 years, and we're doing some lot of R&Ds and building solutions around agri-tech, and we are launching this one. So, and other company where I have, I'm a part-time player there. Basically, I have invested my money there and it's yielding returns and profit from day one. Right? So, so my question is from you is, like what is the right mix of partnership holding of a stake of a company when you invest in a company from a very beginning stage and like from the ideation stage, like I've got a partner on board who is working full time there, right? And I have invested in that company, he is working full time there. What is the right mix of partnership shareholding for us, sir? Iska koi right ya? इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर होता नहीं है। देर इज़ नो स्टैंडर्ड थिंग कि ये स्टैंडर्ड मिक्स होना चाहिए। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, वेन एवर समबडी अप्रोचेस मी एंड आई लुक एट द कैप टेबल, लुक एट द शेयर्स, आई विल नॉर्मली वॉन्ट द फाउंडर्स टू हैव अ मेजोरिटी स्टेक, बिकॉज अदरवाइज दे विल गेट टू बॉग डाउन इन देयर डिसीजन मेकिंग। I want the founders to have a majority share. I want strategic investors to have significant equity. Strategic investor kabhi aayega nahi significant equity ke bina. Double digit equity is something from where the seriousness starts. Ab depends company ka stage also. Matlab aap mujhe bolo aaj mujhe Google mein invest karna hai, तो डबल डिजिट इक्विटी तो नहीं मिलेगी मुझे गूगल में। बट व्हाट मनदीप वाज आल्सो सेइंग दैट इन्वेस्ट इन रिलायंस और टीसीएस फ्रॉम द डे दे वर बॉर्न एंड स्पेंड टाइम विद देम। तो इक्विटी शुड बी अ प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट यू आर क्रिएटिंग और द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग और द डिपेंडेंसी दैट द कंपनी हैज ऑन यू। दैट इज, दैट्स व्हाट इट इज। या यस सर। Well, I think people, yes, very rightly said, are the greatest asset that will take you, you can say,
whether you are on a bullet train or a passenger train, that team will decide. Yes, yes, yes. Now, as an organization, as a startup, we build various blocks, processes, and then you have to have a process leader for every of that block. For example, HR के लिए आपको एक अच्छा team leader चाहिए जो आपके लिए right kind of entry कर सके, team lead, learning, people development कर सके. बिल्कुल. Similarly for all other. So what we did is we divided our organization into one as a support functions like HR, accounts, and other, and then as the main functions that is sales, B2B sales, B2C sales, and this kind of thing. Now when we are hiring again, right kind of people who are who should be smarter than you as a founder, that comes at a cost. Yes. You can't get everybody. You can say, and we are bootstrapped as of now, and we may get funding. You can say over a period of time. But again, you need leaders right at day one, so that you start. You can say getting. So it's yes. a gradual course. Yes. But it comes at a cost. Yes. So how do you can say that? That there's always a fight between your inner self that whether you need to invest in high cost resources. Or you invest in certain again, which thing to count first? You invest in business development first, or you invest in the team first? Or there are so many options where you have to spend. You can say your time and also as well as your resources. So sometimes this gets diluted. So we know that this is important, but still we are not able to find the right answer to get the smarter thing. सर आपने ना आपने चार पांच क्वेश्चन पूछे हैं इस पूरे इसमें ठीक है और इन चार पांच क्वेश्चंस ठीक है मैं आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल इस पे मैं पूरा दिन हम डिस्कशन कर सकते हैं कल सुबह तक हम बात कर सकते हैं इस पे ठीक है मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स तो कोई थोड़ा लॉन्गेस्ट आंसर होगा पीपल विल हैव टू टॉलरेट विद मी कि ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप आंसर है ओके फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो पूछा कि मैं जो इनिशियल टीम हायर कर रहा हूँ वो टीम कॉस्टली होती है तो क्या मैं बहुत सीनियर लोग हायर करूँ या बहुत जूनियर लोग हायर करूँ सर उसमें सिंपल एक कहानी होती है इनिशियल टीम एटलीस्ट द फर्स्ट 10, 15, 20 मे बी द 30 पीपल नीड टू शेयर मोर पैशन विद यू देन द सैलरी मैंने पीपल प्लेस प्रोफाइल पैकेज बताया था ना 4 पीस का अगर आप इनिशियल कोई हायर कर रहे हो ना और से पहले ही पूछ रहे सर सैलरी कितनी होगी तो उसको हायर मत कर सर रगड़ाई जो नहीं करवाना चाहता वो आपकी इनिशियल टीम का हिस्सा नहीं हो सकता ठीक है सेकेंड थिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप व्हेन यू आर बिल्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज व्हेन योर कल्चर इज बीइंग बिल्ट Culture is a big thing, sir. और Razor पे I've been with Razor पे now for 6 years. Razor पे कहीं भी पढ़ो आपको कल्चर वर्ड invariably सुनने को मिलेगा कि Razor पे का कल्चर बहुत अच्छा है कल्चर होता क्या है कल्चर इज नॉट समथिंग यू राइट ऑन द वॉल्स और पुट इन अ पीपीटी कल्चर इज समथिंग दैट यू लिव राइट फ्रॉम द टॉप मैं आपको 2-3 examples देता हूँ कोविड में क्या हुआ सर सडनली एवरीथिंग फेल अपार्ट शुरू में लगा था ठीक है 15-20 दिन महीने की बात है वापस आ जाएंगे कोई चक्कर नहीं है 20th March 2020 से शुरू हुआ कोविड अप्रैल मई तक समझ आ गया थोड़ा सीरियस मामला चल रहा है ये ठीक है सर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो हमने कोविड में की आपका आंसर डायरेक्ट हो सकता है इसमें नाउ बट यू कैन डिराइव अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस आंसर सर हमने कोविड में अप्रैल 2020 में जब अप्रेजल का टाइम था कोविड हो चुका था तब तक मेरा प्रपोजल था कि ऑल एसोसिएट डायरेक्टर एंड अबव विल नॉट टेक एनी हाइक दिस ईयर सर 50 सेकेंड्स में दिस वाज यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ 16 की हाँ यही करेंगे सर हमने अनाउंस किया कि लीडरशिप अप्रेजल नहीं लेगी तो हम क्या करेंगे जो बजट है उससे हम मिडिल मैनेजर और जूनियर मैनेजर को डबल हाइक देंगे फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग जैसे ही ट्रेवल एम्बार्गो लिफ्ट हुआ वी सेड पीपल गो बैक टू देयर होम्स वट एवर वे इट जो भी कॉस्ट हो जैसा भी हो नो अप्रूवल्स रिक्वायर्ड जस्ट गो बैक टू योर होम पीपल वेंट बैक होम वी स्टार्टेड डूइंग वीडियो कॉल्स में वी सॉ पीपल वर सिटिंग ऑन द फ्लोर और सिटिंग ऑन द बेड क्योंकि सबके घर पे
ऑफिस चेयर्स नहीं थी, हमने एक इंस्ट्रक्शन दी लोगों को, एवरीबडी बायस ergonomically certified office chair and the company pays for that because we don't want you to sit on the floor. ये सब कहाँ से अब आता रही leadership से? We are deciding कि boss, हम आपको floor पे बैठ के काम नहीं करने देंगे. We will pay for this. Sir, COVID की second wave आई, remember that oxygen वाली wave जो थी. We said we'll set up 3 centers across the country. Bangalore हमारा head office है, Bombay and Delhi. We'll have concentrators there. किसी को जरूरत पड़े वहां फोन करो, कॉन्सेंट्रेटर आपके घर पहुंच जाएगा. सर दिल्ली का सेंटर मेरा घर था, मेरे घर 4 कॉन्सेंट्रेटर थे. मैं एक दिन रात को 80 किलोमीटर गाड़ी चला के कॉन्सेंट्रेटर देने गया, रात को 2 बजे ग्रेटर नोएडा. 160 किलोमीटर गाड़ी चलाई सर मैंने, उसमें मतलब बहुत डर लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे घर से बाहर निकलना ऐसा लगता था कि आप किसी शमशान घाट पे चलो. सीरियस बता रहा हूं मैं आपको ये बात. आप रोड से बाहर निकलते थे ना, हॉस्पिटल्स को क्रॉस करते, लोग रोड पे स्ट्रेचर पे पड़े होते थे और मैं रात को 2 बजे गाड़ी देके उसको देने गया. सर फेबीफ्लू की शॉर्टेज थी उस टाइम पे, दिल्ली में तो एटलीस्ट बहुत थी. अब क्या करें, मेरा ब्रदर इन लॉ इज अ केमिस्ट इन अमृतसर, मैंने उससे कुरियर करके फेबीफ्लू घर मंगवाई. मेरे घर 8 फेबीफ्लू पड़ी थी, मैंने 4 लोगों को कुरियर करा करा के फेबीफ्लू दी. उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, उससे ना ये तो चलो आप यू कैन टेक अवेट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पीपल थॉट दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन केयर्स फॉर मी, दैट आई बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज वॉट द कल्चर इज एंड दिस इज वॉट यू शुड थिंक अबाउट देन मोर देन द कॉस्ट और वॉट एवर यू आर हायरिंग. इफ द पीपल हु ज्वाइन यू अर्ली दे शेयर द सेम पैशन, दे वॉन्ट टू लिव दैट पैशन विद यू, तो करो, अदरवाइज डोंट हायर दोज पीपल. दैट्स सॉरी मैं डिग्रेस कर गया था आपके आंसर से, बट इससे सो और कहानियां बहुत हैं भाई, तो आराम से बैठेंगे. परफेक्टली आंसर्स दिस क्वेश्चन, इवन आई वाज यू नो रेजोनेटिंग द सेम क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज आई ऑलवेज से दैट यू नो माय पीपल आर फर्स्ट कंपनी सेकंड एंड आई विल सी द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द रो. यस एंड पीपल आर ऑलवेज देयर यू नो एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच यू मेंशन दैट यू नो व्हेन यू आर हायरिंग द फर्स्ट पर्सन इन योर कंपनी द पर्सन इज आस्किंग फॉर द सैलरी. मना कर दैट शुड बी अ रेड फ्लैग एक्चुअली, क्योंकि हो सकता सैलरी आप दे ही ना पाओ. सर ऑल सारी रोज स्टोरीज नहीं होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं 1 साल 2 साल सैलरी नहीं दे पाती. कैन यू आर योर पीपल विलिंग टू स्टिक विद यू इन दोस टाइम्स? या यस सर First of all, thank you very much for the presentation, and this is very much aligned with how we also think. 2 points I would like to ask you. One is, you know, we all have different ideas, and since we keep on hearing also, and of course we all carry our passions. What is those 2 or 3 points which Atul would think while validating an idea? Right, that is first point. And second is, even if we all say we are not fearful, but then how to fight a fear if it comes? Only 2 points. One is the validation of the idea, and second is the fighting a fear. Sir, I look at the fitment. People say fit hai ya nahi. For me, fit means founder, idea, and team. And team and timing both. Matlab founder, idea, team, and timing. Fit hai ya nahi hai. And it starts in that order only. I'll first see the founder, ये कौन है ये बंदा. एंड एवर्ट मंदीप ऑल्सो कवर्ड अ लॉट इन हिज टॉक दैट क्या वो फाउंडर अपनी स्किन इन द गेम लगा रहा है. बूटस्ट्रैप्ड मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्होंने एटलीस्ट 2 या 3 साल बूटस्ट्रैप करके चलाया है, उसको वैलिडेट किया है, उसको इवन पिवट किया है, उसी को उसको कुछ रिविजिट किया है, उसको कुछ आई वुड से मॉडिफाई किया है. उससे पता लगता है कि ये बंदा इसी काम को करेगा और करता रहेगा. बिकॉज द लास्ट थिंग यू लेवर वॉन्ट इज द फाउंडर सेइंग कि सर हो नहीं पाएगा, तो फिर तो वो फिर तो 0 पे एग्जिट है, उसी टाइम ले लो. सेकंड इज द आइडिया. आइडियाज बहुत होते हैं सर, मतलब आइडिया लाना बहुत आसान है, आइडिया को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है. सर मैं आपको यार हम मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा,
जहां दिखे मैं ज्यादा लंबा जा रहा हूँ, प्लीज स्टॉप मी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. मैं 2003-04 में ना सर नोएडा में होता था. मेरी आफ्टर इंजीनियरिंग माई आई वॉज वर्किंग विद HCL. तो उस टाइम पे ना जो ये मैकडीज का स्वर्ल कोन आता ना, जो आजकल 20 रुपए का मिलता है, उस सॉफ्ट कोन, ये तो ये पता क्या दे दिया उन्होंने मुझे. उस टाइम वो 10 रुपए का मिलता था सर, ठीक है? 10 रुपए का स्वर्ल होता था और 15 रुपए का चॉकलेट डिप करने का देते थे वो, ठीक है? तो सर उस टाइम, और मैं यमुनानगर से हूँ, यही चंडीगढ़ के पास ही जगह है, तो हम नोएडा में था. मैंने कहा यार ये जो बनाते हैं सॉफ्टी सी, ठीक है, इसका ना एक काम करते हैं, इसको ना हम मोबाइल उस पे कार्ड्स पे ये स्वर्ल मशीन लगाते हैं, ठीक है? मैं और मेरा एक दोस्त था, हम सर फरीदाबाद के पास एक कंपनी जो बनाती थी मशीन्स वहां तक पहुंचे, पूरा बजटिंग सब कुछ कर ली. सर वो कोन की लैंडिंग कॉस्ट 3.5 रुपए बैठती थी सारा कुछ मिला के. ये भाई बहुत बढ़िया, हम 7 रुपए का बेचेंगे. उस टाइम 2 रुपए चलते थे भाई, आजकल तो नहीं चलते. 7 रुपए का बेचेंगे, 30% डिस्काउंट ओवर मैकडोनल्ड्स, और इसको सब हम बना के इसकी एक चेन बनाते हैं नोएडा में. बस यहीं तक खत्म कर दी बात, फिर बनाई नहीं कभी. आइडिया बहुत पावरफुल था बट हमारी परसिवरेंस नहीं थी. प्लान था, परसिवरेंस नहीं थी, और टीम नहीं थी, और हमारे में इतना दम नहीं था. ऑनेस्टली बताता हूँ आपको कि 3-4 लाख रुपए साल का पैकेज था उस टाइम पे, लाइफ बड़ी सेट थी अपनी, MBA की तैयारी चल रही थी, हिम्मत नहीं थी वो करने की, नहीं करा. आज भी कर सकते हैं आइडिया भाई, तुम्हें पर नहीं. सर मैं दिल्ली यमुनानगर जाता था बस में, 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल मिलती थी उस टाइम पे. 10 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे, 10 रुपए में तो 2 समोसे आ जाते थे, 3 भी आ जाते थे कई जगह से. तो वो हम क्या करते, पेप्सी की बड़ी बोतल लेके चलते थे, भरते थे नल्स पर, रख लेते थे. तब सोचा यार ये 10 रुपए की 1 लीटर की बोतल क्यों आती है, पाउच क्यों नहीं बना देते पानी के, छोटी बॉटल्स क्यों, कभी छोटी बॉटल्स आती नहीं थी भाई दोनों. ये भी आइडिया था, इस पर भी काम नहीं किया, करते तो पता नहीं क्या कर जाते. ये तो मैं 2 आइडियाज बता रहा हूँ जो वैलिडेटेड आइडियाज थे, जो बाद में सक्सीड हुए, पीपल डूइंग दोज आइडियाज इन सम शेप एंड फॉर्म. तो आइडियाज का तो सर कोई कमी ही नहीं. अभी मैं 10 बार आइडियाज अभी दे दूंगा आपको, करो. बट आइडियाज हैव, देयर इज नो मनी दैट यू कैन मेक आउट ऑफ आइडियाज. आई कांट सिट एंड सेल आइडियाज. दैट इज वाई दैट फाउंडर आइडिया एंड टीम एंड टाइमिंग परसिवरेंस, वो चीजें नहीं है तो स्टार्टअप नहीं चलेगा आपका, और उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी मत करना. स्पेशली द फाउंडर्स हु ट्राई टू रेज मनी टू अर्ली. मनदीप ने ऑलरेडी कवर किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसका कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली भाई, अगर मैं अपने भाई को ही नहीं पैसे दे रहा हूं, या मैं अपने दोस्त को ही नहीं पैसे दे रहा हूं, तो आप बाहर के इन्वेस्टर क्यों लोगे उसको पैसा यार, राइट? या यस यस मैम. Sir, I wanted to know red flags while we are building our product team. Specifically. Red flags while you are building? Red flags while we are building our product team. Let's say, मेरे पास कोई idea है और मैंने team build करनी है specifically to IT industry. So जो red flags होंगे, but just a brief overview कि कौन-कौन से हम चीजें देख सकते हैं कि जब हम hire करते हैं. मैम सिंपल, हायरिंग करते हुए आप एक्चुअली, हायरिंग ना होती ही बहुत बड़ा गैम्बल होता है. हायरिंग इज अ तुक्का, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है. हायरिंग आप एक्चुअली ना, हम लाइफ में बहुत सारी बेट्स एक चांस पे ही लेते हैं. अरेंज्ड मैरिज इज अ बिग गैम्बल दैट वी प्ले, ठीक है? वो कभी चल जाता है,
चल ही जाता है मतलब जैसे मैडम चलाती है राइट। तो सॉरी मैं डिग्रेस नहीं करूंगा, द पॉइंट इज स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट टीम्स और फॉर सेल्स टीम्स। मेरा सिंपल, मैं आपको अपना मोटो फॉर्मूला बताता हूँ हायरिंग का। मैं नॉर्मली वो बंदे हायर करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ कभी ना कभी काम किया हुआ। आई कैन डू दिस नाउ बिकॉज मेरे को 18 साल हो गए, तो 90% लोगों ने तो कहीं ना कहीं काम किया ही हुआ है। या वो किसी ऐसे को जानते हैं मेरे फर्स्ट रिलेशन को जिसके साथ उन्होंने काम, फर्स्ट कनेक्ट जिसके साथ काम किया हुआ है। अब किसी ने मान लो अमित जी के साथ काम किया, अमित जी का फोन करके पूछ लूंगा भाई क्या करना है। अभी परसों ही मेरे को ये आपकी जो कंपनी है, क्या नाम है इसका, मैजिक पिन, इसका जो हेड ऑफ सेल्स है ये मेरा जूनियर है कॉलेज का, इसका मुझे फोन आया एक बंदे का, इसने नाम बोला, सर इस बंदे ने आपके साथ काम किया हुआ। मैं कहा तू मत लियो, ठीक है हो गई बात खत्म। उसके बाद वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड आफ्टर दैट, या मैं कहता भाई इसको ले ले जो भी है संभाल लेगा। तो मेरे लिए रेफ चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टेक्निकली जब हायर करो तो टेक्नोलॉजी टेस्टिंग ऑफकोर्स आप कर ले, तो वो इजियर पार्ट है। 50 क्वेश्चंस पूछे, 40 आंसर कर दिए ठीक है कर जाएगा, 30 किए शायद कर जाए, 20 करे पक्का नहीं कर पाएगा। बट मेरे लिए दैट पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम वर्किंग विद दैट पर्सन। टेक्नोलॉजी सीखी सिखाई जा सकती है, लर्न अनलर्न हो सकते, कोई टेंशन नहीं है। मेरे लिए वर्किंग विद दैट पर्सन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो स्पेशली जब मैं सेल्स टीम में हायर करता हूँ तो प्योर बंदा हायर करता हूँ, उसके बाद देखी जाएगी सिखा देंगे। हाँ जी ओके दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।